श्री एन गोकुल कृष्णन, श्री अजय प्रताप सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सीधी सिंगरौली जिले की रेल विभाग से जुड़ी हुई अनेक छोटी छोटी समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। ये समस्याएं छोटी हैं लेकिन लोक महत्व की हैं। सभापति महोदय, ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन एक लंबे समय से निर्माणाधीन है। ललितपुर से खजुराहो तक इस रेलवे लाइन का निर्माण हो चुका है लेकिन खजुराहो से सतना पन्ना रिजर्व टाइगर के कारण यह काम रुका हुआ है। मेरा यह आग्रह है कि ये पन्ना रिजर्व टाइगर से जो वांछित मंजूरी है वो जल्दी दिलाकर इस काम को पूरा किया जाए। इसी रेलवे लाइन का जो खंड भाग रीवा से सीधी जाता है और सीधी से सिंगरौली जाता है, यह भी लाल फीताशाही के कारण निरंतर विलंब होता जा रहा है। अभी इस खंड मार्ग पर भूमि का अधिग्रहण होना था, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी, धारा 11 का प्रकाशन हो गया, धारा 17 के तहत मुआवजा अवार्ड पारित होना था, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव की आड़ में ये काम पूरा नहीं किया गया। निर्धारित समय सीमा बीत गई और फिर ये काम जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया है और सारी प्रक्रिया फिर उसी तरीके से प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण अनावश्यक इस रेलवे लाइन के निर्माण में विलम्ब हो रहा है। इतना ही नहीं, ये खंड मार्ग में जो पहले निर्धारित सर्वे था उस सर्वे को बदल कर नया सर्वे, नए गांव जोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण इस रेलवे लाइन की दूरी बढ़ गई है। दूरी बढ़ने के कारण लागत बढ़ रही है। अधिकारियों की मिली भगत से पहले से ही लोगों को जानकारी हो गई तो जहां जहां से रेलवे लाइन गुजरने वाली थी उन स्थानों पर बहुत छोटे छोटे प्लॉट लोगों ने खरीद लिए हैं जो चंद डिसमिल में है, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल। और ये खरीदने के पीछे लालच ये था कि रेलवे विभाग का अभी तक नियम था कि रेलवे लाइन में जिसका ज़मीन फंसेगी उसको हम नौकरी देंगे तो लोगों को नौकरी मिल जाएगी, और जब छोटा प्लॉट होता है तो उसको वर्क फिट के हिसाब से मुआवजा मिलता है तो उसको मुआवजा भी अधिक मिलेगा। तो एक अधिकारियों का, भूमाफिया का और कुछ समाज के प्रभावी लोगों का नेक्सस बना हुआ था। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर विशेष रूप से जोर दिया जाए और इसको जितना जल्दी किया जा सकता करें। वहाँ पर सीधी में हमारे जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है पिछले 6 महीने से बंद है।